बलिया पुलिस की शिथिलता के कारण दो माह बाद भी अपनी नाबालिग बेटी की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर एक मां ने एसपी से गुहार लगाई है। दरअसल मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की 30 मार्च को लापता हो जाती है। 5 अप्रैल को मामले में मुकदमा दर्ज किया जाता है और दो माह से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली। आपको बता दें कि पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने आशंका जताई है कि गांव के ही एक लड़के ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर अपहरण कर लिया है। पुलिस ने 4 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और सभी फरार बताए जा रहे हैं। आरोप है कि पुलिस अब तक न तो किसी को गिरफ्तार किया और न ही मेरी बेटी की तलाश कर पाई है, जिसे लेकर पीड़ित मां ने एसपी से गुहार लगाई है। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। क्या समस्या हुई है? सर, हमारा नाम नीतू सिंह है, हम दुहा बिहरा के निवासी हैं। हमारी लड़की 30 मार्च 2024 को तीन शनिवार घर से लापता है। हमने थाने पे एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने पहले कहा कि आप गुमशुदगी में लिखवाइए। हम लोग गुमशुदगी में इधर उधर मतलब घर के खोजबीन की लिए कुछ पता नहीं चला। फिर जब एफआईआर दर्ज करवाए, उन्होंने भी थोड़ी बहुत छानबीन की और उसके बाद से बोल रहे हैं कि कुछ आप ही पता लगाओ। हमको जितना पता लगा, आधार कार्ड पे नया नंबर चढ़ के आया, हम ही वो एसआई सर को दे दिए। उससे भी उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। हम बहुत प्रयास किए, 4 बार एसपी ऑफिस भी आए, वो भी इधर उधर की कमी कहते हैं साल भर लग जाएगा। हम इधर उधर बस भटक रहे हैं। किस तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था? 5 अप्रैल। अच्छा, किस पर शक है? किसी पर शक है क्या? रितेश सिंह, जो हमारे गांव के निवासी हैं, वहाँ पे बसंतपुर। कौन सा गांव है आपका? बसंतपुर, थाना सुखपुर। तो उसी गांव के वो रहने वाले हैं जिस पर आपको शक है? हाँ, उसी गांव। तो क्या किस तरह का शक है? सर, उसी दिन वो भी लापता हुआ था, मेरे मौसी के साथ वो निकला। तो हमको बताई कि रितेश गया, शाम 4 बज गया, हमारी लड़की नहीं आई। हम पूछे तो बोले कि ये भी बोल रहा था कि हम कमाने जा रहे हैं, जो कि हमारे घर पे 2 बार गया भी है। तो क्या आपके लड़की और उसके बीच में कोई संपर्क था क्या? हम नहीं देखे हैं, हमारे ना मोबाइल से बात होती होगी, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं देखे हैं। कभी लड़की के एक्टिविटी से कुछ पता चला? नहीं सर, घर पे रहते। तो अभी कितना दिन हो गया आपके लड़की के लापता हुए? 2 महीना, आज 15 तारीख, 2 महीना 15 दिन हो गया। पुलिस अभी तक वहाँ लड़की तक पहुँच नहीं पाए? नहीं। कोई मोबाइल वोबाइल भी फरार है? कम से कम माँ बाप को भी तो सामने आना चाहिए। जिस लड़के पे शक है आपको? हाँ, उसके माँ बाप भाई वो भी फरार हैं 2 महीने से। अच्छा, थाने में गए, एसआई सर बुलाए थे, गए, बोले कि हम लोग जा रहे हैं ढूंढने, मोबाइल वोबाइल बंद करके उसके बाद से बैठ गए हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर, हम अब पुलिस अधीक्षक से अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।